लोरी चंदा पुराना जमाना के वही लता मनसियान हो गए तल देखे लाए। गाने अच्छे हैं और रोमांटिक अच्छी है। संगवारी हो, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। संगवारी हो, मैं अभी प्रभात टाकिजमा और मोर साथ में है अभी राजकुमार सोनी सर, जिन्हा अभी फिल्म देखे के बाद में ये फिल्म के बारे में बताई और हमन गोड़ बात करबो ये फिल्म के बारे में। तो सर आप मन के बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद सर। ये फिल्म आप मन देखो, आप मन एक बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, पिछले कुछ समय से जो छत्तीसगढ़ के बहुत से जो घटिया निर्माता निर्देशक हैं वो दोयम दर्जे की फिल्म बना रहे हैं, मुंबई से चुराई हुई नकल की हुई फिल्में बना रहे हैं और ज़्यादा हुआ तो बिहार या यूपी की जो कहानी है उसको चुरा करके फिल्में बना रहे हैं। काफ़ी दिनों के बाद यानी मंदरा जी देखने के बाद मैंने लोरिक चंदा देखी और ये छत्तीसगढ़ की लोक कथा पर आधारित फिल्म बनी है, बहुत उम्दा फिल्म बनी है। और मेरा ये मानना है कि जो भी छत्तीसगढ़ के असल दर्शक होंगे, जो छत्तीसगढ़ से प्रेम करने वाले होंगे, जो छत्तीसगढ़ के नकली दर्शक नहीं होंगे, असल दर्शक होंगे, वे इस फिल्म को ज़रूर देखेंगे, इस फिल्म को अपना प्यार देंगे, स्नेह देंगे, आशीर्वाद देंगे। क्योंकि ये जो फिल्म है बेहद उम्दा है, इसमें बेहद उम्दा किस्म का संगीत है, कलाकारों का बेहद उम्दा अभिनय है, छत्तीसगढ़ की माटी जो है उसकी खुशबू हमको इस फिल्म में देखने को मिलती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप यदि छत्तीसगढ़ी बोली बानी का जो एक स्वाद उठाना चाहते हैं, असली स्वाद उठाना चाहते हैं, मैं खुद भी हतप्रभ हुआ इस फिल्म में देख करके, भाषा को सुन करके, कि मैंने कई ऐसी बातें सुनी जो पहले बोलचाल की भाषा में मुझे खुद को भी जानकारी नहीं थी, वो इस फिल्म में हमको देखने को मिलती है। अब बाकी पुरानी फिल्में देखिए, उसमें आपको अंग्रेजी दिखाई देगी, लफ्जब दिखाई देगा या कुछ और दूसरी भाषाओं का सम्मिश्रण दिखाई देगा, लेकिन ये पहली ऐसी फिल्म मुझे लगी जो शुद्ध रूप से छत्तीसगढ़ी है, जिसको कह सकता हूँ कि मैं एक पवित्र फिल्म प्रेमचंद्राकर जी ने बनाई है। इस फिल्म को मुझे लगता है कि दर्शकों को प्यार देना चाहिए, स्नेह देना चाहिए और दर्शकों को प्यार लुटाना चाहिए। क्योंकि यदि जब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ अस्मिता की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बचाने की बात करते हैं, तो मंदरा जी के बाद मैंने ये दूसरी ऐसी फिल्म देखी जिसको मैं कह सकता हूँ कि ये मील का पत्थर साबित होने वाली है। सर, दर्शक मन अतेक अच्छा फिल्म बने के बाद भी काबर नहीं आया, एकर कारण आप मन का कहना? बहुत से कारण है। देखिए, यहाँ पर छत्तीसगढ़ में एक गैंग चलता है, जो यहाँ के पूरे निर्माता निर्देशकों ने गैंग बना लिया है, वो अच्छे छवि ग्रोह पर कब्जा करके रखते हैं और वैसे सिंगल थिएटर कम है तो अच्छी फिल्मों के लिए वो जगह नहीं देने देते। दूसरा क्या है कि इतना टेस्ट यहाँ का बिगाड़ दिया गया, ख़राब स्वाद कर दिया गया यहाँ के दर्शकों का, उनको लगता है कि जो गोविंदा छाप फिल्में हैं वही यहाँ के निर्माता निर्देशक बनाते हैं, तो उसी तरह की फिल्मों को देखा जाए। रात्रि गुटखा खाने वाले दर्शकों की एक नई पौध पैदा कर दी गई है, तो वो पौध क्या करती है कि ऐसी फिल्मों को देखने के लिए नहीं जाती, उनके बारे में एक फिल्म लगने के पहले से ही एक प्रचार प्रारंभ हो जाता है कि ऐसी फिल्मों को प्रमोशन नहीं करना है, ऐसी फिल्मों को नहीं देखना है। तो जो दर्शकों का स्वाद यहाँ पे ख़राब किया गया है, मैं मानता हूँ कि प्रेमचंद्राकर जी ने एक बड़ा काम किया है, इसके पहले विवेक सरवा ने एक बड़ा काम किया था, तो इसको तोड़ने में थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन ये चीज़ें टूटेंगी। देर सवेरी सही लोग हसजन पगली फंस जाबे, आप बता सकते हैं कि हसजन पगली फंस जाबे हम अपनी बहन को बोल सकते हैं कि पगली फंस जाबे कॉलेज मत जाबे? अपनी बहन को तो नहीं बोल सकते हम। ऐसी पारिवारिक फिल्म जिसको बताया जाता है वैसी फिल्मों को हम अपनी बहनों को, माँ बहनों को बोलने के लिए तो नहीं कह सकते कि ऐसी फिल्मों को जाकर के देखिए। तो ये एक कारण यह है कि यहाँ का दर्शक जो है उसके स्वाद में काफ़ी परिवर्तन कर दिया गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस फिल्म के बाद थोड़े से ही सही दर्शकों के स्वाद में एक सुधार आएगा। और देखिए, बहुत सारी जगह होती है ना जब हम कहते हैं कि एक अच्छा उपन्यास है हमको पढ़ना चाहिए, एक अच्छा साहित्य हमको पढ़ना चाहिए, तो उम्मीद करते हैं हम कि इससे, इस फिल्म से, लोरिक चंदा से दर्शकों के एक स्वाद में परिवर्तन आएगा। फिल्म चलेगी या नहीं चलेगी ये प्रेमचंद्राकर जी और उनकी टीम के भाग्य पर निर्भर करेगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि प्रेमचंद्राकर यहाँ के दर्शकों के एक स्वाद को बदलने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। सर, सरकार के में क्या रोल होना चाहिए छत्तीसगढ़ी फिल्म के प्रति? देखिए, छत्तीसगढ़ की जो सरकार है वो इन चीज़ों को पहचान रही है। जितने घटिया निर्माता निर्देशक हैं ना जो मुंबई की कहानियों को चुरा करके फिल्म बना रहे हैं, यदि इनकी कहानियों को सब्सिडी देना होता, इनकी कहानियों पर कुछ काम करना होता तो छत्तीसगढ़ की सरकार बहुत पहले ही कर गई होती। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी यहाँ कई फिल्में बनी लेकिन सब्सिडी का कोई मामला नहीं आया। आप देखिए, पहली बार कोई फिल्म जिसको टैक्स फ्री किया गया वो फिल्म थी मंदरा जी। तो छत्तीसगढ़ की सरकार भी ये देख रही है कि संस्कृति को काम करने वाले लोग कौन हैं, उसका संरक्षण करने वाले लोग कौन हैं, उनकी बात करने वाले लोग कौन हैं, तो वही फिल्म टैक्स फ्री हुई
जो अच्छी फिल्म बनी थी, ये हसजन पगली फंस जाबे या रंगोवती, ये लव यू दीवाना, सारी आई लव यू टू और लव के पीछे लठ बड़ा लेके पड़ जाने वाले लोगों की फिल्मों को सरकार ने टैक्स फ्री नहीं किया। टैक्स फ्री वही फिल्म हुई जो हमारे दाऊ मंदरा जी थे, नाचा के जो जनक थे, जिनके नाम से सरकार एक पुरस्कार भी देती है, उसी फिल्म को सरकार ने टैक्स फ्री करने लायक समझा। मैं मानता हूँ कि आने वाले समय में भी जो अच्छी फिल्में बनेगी, जो क्लासिक मूवी बनेगी, जो बेहतर किस्म के साहित्य को, यहाँ की संस्कृति को, यहाँ के धरोहर को, यहाँ के पुरातत्व को, यहाँ के दृश्यों को, यहाँ के जो है प्रकृति को, यहाँ के गानों को, यहाँ के शिल्प को, यहाँ की कलाओं को बढ़ावा देने वाली फिल्में होगी, ऐसी फिल्मों को सरकार जो है संरक्षण देगी। मुझे लगता है ऐसी फिल्मों को संरक्षण मिलना ही चाहिए, क्योंकि आप बाकी जगह भी देखिए, बंगाल में देखिए, महाराष्ट्र में भी देखिए, वहाँ महाराष्ट्र के लोग तो अपनी भाषा को बड़े सम्मान के साथ बोलते हैं और वहाँ की संस्कृति को भी बड़े सम्मान के साथ प्रस्तुत करते हैं, बंगाल में भी यही स्थिति है। तो मैं बार बार ये कहता हूँ कि जो अच्छी फिल्में होंगी उसको प्रोत्साहन मिलेगा, जो असल दर्शक होंगे वो अच्छी फिल्मों की ओर लौटेंगे और एक ना एक दिन जरूर लौटेंगे, ये मेरा भरोसा है। सर एक बात, जैसे अपन दो फिल्म ला देखें, लोरिक चंदा और ये मंदरा जी, तो ऐसने है और कौन सा अपन छत्तीसगढ़ी जो चीज़ है उखर ऊपर फिल्म बनाना चाहिए, ऐसे आप मन के कहा है? देखिए मेरा ये विश्वास है कि छत्तीसगढ़ में कहानियों की कोई कमी नहीं है, यहाँ पर विरासत में मिली हुई एक माओवाद की चुनौती है, लेकिन कोई भी निर्माता निर्देशक उस माओवाद की चुनौती से दो चार नहीं होना चाहता। यहाँ शंकर गुहा नियोगी जैसे एक बहुत बड़े करेक्टर है, मजदूर करेक्टर जिसको देश दुनिया के लोग मानते हैं, शंकर गुहा नियोगी पर कोई निर्माता निर्देशक फिल्म बनाने का साहस नहीं दिखाता। बहुत दुर्भाग्य की बात मैं आपको बता रहा हूँ कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब की जो पत्नी है वो बना रही है तीजन बाई पे फिल्म, मगर तीजन बाई पर यहाँ फिल्म बनाने की जहमत कोई नहीं उठाना चाहता। तो क्यों नहीं उठाना चाहता? तीजन बाई क्या कम बड़ा करेक्टर है? क्या नवाजुद्दीन सिद्दीकी की पत्नी यदि यहाँ पर वो फिल्म उस पर बना रही है तो क्या गलत कर रही है? यहाँ के निर्माता निर्देशक क्या है, बहुत अलाल हैं और वो चोरी का मसाला जो है, बम्बई में जितनी चोरी की गई फिल्में हैं, गोविंदा छाप फिल्में हैं, जो थर्ड क्लास कहानियों पर बनी हुई मूवी, एक दूसरे की कहानी से लपटा संटा जो कहानी है उसको मार मार करके यहाँ फिल्में बनाते हैं और दर्शकों का स्वाद उसी वजह से यहाँ पर ख़राब हुआ है। कई यहाँ पर किरदार पड़े हुए हैं, वो मंदरा जी पर जिसने बनाया वो भी एक बायोग्राफी थी। मैं कहता हूँ कई ऐसे मजदूर नेता हैं उस पर फिल्म बनाई जा सकती है। लोरिक चंदा पर प्रेमचंद्राकर ने यदि फिल्म बनाने का साहस दिखाया तो ये तो पुरानी कहानी है, गांव-गांव में रची बसी कहानी है, हमने इसको नाटक में देखा है, थिएटर में देखा है, दूरदर्शन पर इस पर एक पूरा थिएटर पर ही उतार करके फिल्म बता दी गई थी। तो ये साहस तो आपको करना पड़ेगा। जब हम संस्कृति की बात करते हैं तो कहीं संस्कृति पड़ी हुई है ना, आपको उसको देखना समझना पड़ेगा ना, नए स्वरूप में देखना पड़ेगा, नए एंगल पे देखना पड़ेगा, उसको बम्बैया फार्मूले में देख करके तो आप प्रस्तुत नहीं कर सकते। तो मेरा ये मानना है कि छत्तीसगढ़ जो है वो विविधताओं से भरा हुआ राज्य है, कई यहाँ पर किरदार हैं, उन किरदारों पर नज़र डालने की ज़रूरत है और उन किरदारों पर मुझे लगता है कि ऐसे लोग आएंगे, प्रेमचंद्राकर जैसे और लोग आएंगे, विवेक सरवा जैसे और लोग आएंगे जो ये साहस करेंगे और ये जितने मठाधीश जो लोग बैठे हुए हैं, जो टाकीजों पे कब्जा किए बैठे हैं, जो फिल्म को पूर्व धारणा के तहत गलत प्रचार देते हैं, जो कई तरह से जो है गैंग बना करके काम करते हैं, कैंप बना के काम करते हैं, ये एक ना एक दिन ये मोनोपोली टूटेगी और असली दर्शक लौटेगा टाकीजों की ओर। धन्यवाद सर। फिल्म देखो कैसे लगी साहब? अच्छा है बेटा, अच्छा है। हाँ तो अच्छा है। लोरिक चंदा पुराना जमाना के वही लथा मनसियान हो गए तल देखे लाए देखे लाए हाँ सुने होता। हाँ सुने था देखे लाए संतोषी नगर से। संतोषी नगर हाँ बढ़िया लगी। हाँ पुराना जमाना कहानी किस्सा है। अच्छा है फिल्म, बहुत अच्छी लगी। बहुत अच्छा अच्छा दीदी। अब फिल्म देखे आप मन कैसे लगी? नहीं बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगी। कैसे जाने आप मन ये फिल्म लगी करके? अब क्या है घूमने आए थे तो चले आए यहाँ पर। हाँ। लेकिन पिक्चर जो है ना बहुत अच्छा है, इसमें ना रोमांटिक है। हाँ। और जो प्यार के बारे में बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। हाँ, बहुत अच्छा। आप मन देखे लाए छोटू जी? कैसे लगी? अच्छा अच्छा। इसमें क्या है ना वो मारधार ये सब कुछ नहीं है। मारधार नहीं है इसमें ना, मस्त रोमांटिक और हंसने हंसाने वाला बहुत अच्छा पिक्चर है। पैसा वसूल बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। कहानी पुराना है लेकिन नए तरीके से फिल्माया गया है, बहुत ही अच्छा लगा। जो नाचा का मधोदी से लोरी चंदा वो वाला देखा था? हाँ।
अभी देखे पर कैसे आया? राज टॉकीज गई थी कुछ हाँ। कुछ होगा तो देखूंगी करके हाँ। फिर वहाँ वाले बताए कि इसमें लगा प्रभात में अच्छा। लोरिक चंदा तो वो देखूंगे। और नवा दर्शक मतलब आप कहाँ कहना चाहते हो? मैं देखना चाहूंगी कि सब लोग आओ, सब परिवार आओ, खूब देखो और कहानी का फायदा उठाओ। बहुत अच्छा है, गाने अच्छे हैं और रोमांटिक अच्छी। हाँ अच्छी है, फर्स्ट मूवी है मेरी। जी जी। कहाँ से आया? रायपुर। बहुत अच्छा रही से, बहुत अच्छा लगी इस पिक्चर है। कहाँ का अच्छा लगी सर? जो रोल रही से, कॉमेडी रही से, गाना रही से, बहुत अच्छा लगी से। कॉमेडी गाना हाँ। पहले आपने सुने रहे यूट्यूब में? हाँ यूट्यूब में देखे रहे हूँ, ट्रेलर भी देखे रहे हूँ, सब गाना वाला भी देखे रहे हूँ। अच्छा। बहुत अच्छा लगे। कहाँ से आया? मैं सांतरा सा हूँ। सांतरा से? सांतरा से। हाँ पाटन सांतरा। नंबर फिल्म है, फिल्म बढ़िया है, फिल्म अच्छा है, गाना भी एक, स्टोरी भी अच्छा है और कहानी भी अच्छा है एक नंबर से। और ये सिंह जो है ना पूरा महासमुंद का सिंह है, महासमुंद से बाग बारह का जी। हम लोग क्या हमेशा शूटिंग में जाते हैं अनुज शर्मा के साथ। अच्छा तो ये गाना बहुत अगन है, सब गाना मन अपना अच्छा लगा? गाना एक नंबर, एक नंबर गाना है, गाना में कोई प्रॉब्लम नहीं, गाना एक नंबर है। कहानी आप मतलब कैसे लगी? कहानी एक है राजा और एक गरीब की कहानी है। अच्छा। यही कहानी है। तो बहुत पसंद है इसे? बहुत पसंद है। ठीक। और नवा दर्शक जो नहीं आए थे इकर पर का कहें? अब वो मन अगर देखना चाहते तो एक नंबर फिल्म है। अब मैं बताऊँ पसंद संगवारी मान ली जय जवाहर जय छत्तीसगढ़। कैसे लगी इस फिल्म? बहुत शानदार पिक्चर है। भी अपन छत्तीसगढ़ी में जो एक सीन होना चाहिए जो पुराना राजा महाराजा जैसे गढ़ में होते, तो एक लव स्टोरी जो होते एक प्यार से, कोई गरीबी से मतलब राजा महाराजा के बेटी कोई गरीब से प्यार कर बैठते, तो फिर कहानी के दौर में एकदम परफेक्ट ही ये कहानी के जो सीन बने हुए, रोल बने हुए और सब एक्टर मोला तो बहुत पसंद है। इसकी इतना शानदार है इसकी, अब कहा बताऊँ मैं, ओकर लिए तो सब दहनी है बस स्टोरी देख देख के कुछ, तो दिल में अपन भी वही यंग बेच के हैं तो थोड़ा सा आंसू भी निकल आते रही सो एक मन के। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे अभी नवा नवा फिल्म मन में अलग अलग टाइप के दिखाते हैं, कड़क भड़क दिखाते हैं, तो वो फिल्म ना ये फिल्म में कैसे देखते? नहीं वो तो मैं वही चीज देख के जैसे कि वो मन के सीन ही देख रहे, मैं माना कैम्प से निकले पिक्चर ही देखने के लिए, तो मोर राज टाकिज पहुँचे घड़ी चौक में, फिर वहाँ से आगे निकले, फिर मोला लगे इसके ये पिक्चर ठीक नहीं लगा कमांडो थ्री, फिर श्याम टाकिज गए, मैं पैदल ही पैदल गए रहे सब तरफ पैदल, यहाँ भी मैं शहर से मारत मारत पैदल ही पैदल आए। तो कर बात अपन हाँ बिल्कुल वही चीज़ ला मोला देखना रही से, जानना रही से कि अभी चला थे ओकर हिसाब से एकदम परफेक्ट है। फिर प्लस अपन ममता चंद्राकरण बहुत पहले से पद्मश्री है सब चीज़ देखता है। अपन जजयपुर में आते भी तो हम 12 किलोमीटर से साइकिल पैदल आटा ताटा तो वहाँ तक ओकर प्रोग्राम ला देखे बढ़ जाता है, तो ओकर नाम से मैं ही आए हूँ बस ममता चंद्राकर के जो अपन स्टोरी लिखे हुए बनाए हुए सिर्फ ओकर गायिका ला ही देखे बार प्रोग्राम से मतलब देखा था तो फिर बस 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 बिल्कुल बिल्कुल वही चीज़ जब हर यहाँ ध्यान लगाए पर अपन आए हो। ठीक है धन्यवाद।